हम पढ़ाई सिर्फ इसीलिए करते हैं कि कैरियर बना सके। और तुम क्या कर रहे हो, जो 15 साल से जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो उसको तीन महीने मेहनत ना करके गमा रहे हो। भाई बचपन से क्लास 1 क्लास 2 क्लास 10th ये सब पढ़ाई क्यों की गई है, आज के लिए ही की गई है? नहीं तो बताओ जरा क्या यूज है पढ़ाई का, बताना जरा मेरे को। सिविलाइज तो हमें घर वाले ही बना देते हैं, बिना पढ़े आप सिविलाइज हो जाते हो। जो अनपढ़ है क्या वो सिविलाइज नहीं है? वो इंसान को देख के क्या उल्टी सीधी हरकतें करता है? नहीं, वो भी आपकी तरह ही कपड़े पहनता है, आपकी तरह ही चलता है, आपकी तरह ही बोलता है। तो सिविलाइजेशन तो हमको समाज सिखा देता है। थोड़ी स्टैंडर्ड बातें समझ में नहीं आ रही होंगी कि सर समाज वाज कहां लेके चले आए बीच में। तो सिविलाइजेशन तो हमें सोसाइटी सिखा देती है। हम 15 साल से जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? वो इसी दिन के लिए पढ़ रहे हैं। और जब वो दिन आया तब तुम लापरवाही करके बैठे हुए हो, बैकलॉग याद आ रहा है। अरे भैया 15 साल से जो तुम मेहनत कर रहे हो या आपके फादर मदर सिस्टर मेहनत कर रहे हैं वो इस दिन के लिए कर रहे हैं। एक बार उनके चेहरे को देखो, वो तुमसे आस लगा के बैठे हैं कि एक दिन बच्चा मेरे फ्यूचर को भी चेंज करेगा, मेरे से जो गलतियां हुई हैं वो मेरा बच्चा ना करे और अपना भविष्य भी चेंज करे और साथ साथ में परिवार का भविष्य भी चेंज करे। मगर आप बैकलॉग लगा के बैठे हो, आपका टाइम कमेंट और बाकी चीजों में चला जा रहा है। देखो यार अपनी जिम्मेदारियों को समझो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यदि किसी बच्चे का बैकलॉग हो रहा है तो जितना बड़ा बैकलॉग सिलेक्शन से वो उतना ही दूर है। मैं बता रहा हूं, मैं एक बात ही को सिर्फ कह रहा हूं कि बैकलॉग ना बनने दो, मेरे साथ चलो, बस और कुछ नहीं कह रहा। आप बैकलॉग ना बनने दो, मेरे साथ चलो, लास्ट तक जाते जाते सब कुछ करा दिया जाएगा, सब कुछ जितनी भी चीजें होती हैं। सिलेबस की टेंशन ना लो, वो हम लोगों को पता है कब उसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी टेंशन लो कि आपको जो पढ़ाया जाए वो आप अच्छे से पढ़ें, उसकी अच्छे से नोटबुक बनाएं, उसको अच्छे से डेली रिवीजन करें, उसको खूब क्वेश्चन लगाएं और बैकलॉग ना बनने दें। और साथ साथ में जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट को आप बिल्कुल IIT का टेस्ट लें। ऐसा नहीं कह रहे चलो इस टेस्ट में नहीं परफॉर्म करेंगे अगले टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, नहीं, उस टेस्ट को तुम IIT का पेपर मान के दिया करो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें पता रहेगा कि तुमने जब अपना बेस्ट एफर्ट मारा तो नंबर कितने हैं, इससे तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी। नहीं तो तुम एक हाइपोथेटिकल सोच बना के बैठे होगे, अरे जब मैं पढ़ूंगा ना तो मेरे नंबर आ जाएंगे, इस बार पढ़ाई नहीं था टेस्ट में तो नंबर क्यों आएंगे। तुम अपने को सेटिस्फाई कर लेते हो किससे, एक जबरदस्ती के झूठ के साथ। और जब सेटिस्फाई हो जाता है व्यक्ति तो आगे अप्रोच नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है। मगर यदि तुम देखोगे कि यार हमने तो जी जान लगाई थी और नंबर फिर भी कम आए हैं तो अंदर से तुम्हें पता होगा कि नहीं अभी और मेहनत करनी है, क्योंकि पूरी जी जान लगाने पर नंबर इतने आए हैं, इतने नंबर में नहीं है। और जब तुम बिना पढ़े पेपर देते हो तो तुम अंदर से अपने को जैसे कैसे, देखो अपने को कैसे सेटिस्फाई करते हो, अपने ही आपको कैसे बेवकूफ बनाते हो, ऐसे बनाते हो, 2 ही घंटे तो पढ़ा था उसके हिसाब से इतने आ गए, अब तुम मैथ लगा लोगे कि अब 2 घंटे पढ़ने पे इतने आए तो जब मैं लास्ट में ना 8-8 घंटे 6-6 घंटे पढ़ूंगा तो आ जाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा। तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, बैकलॉग ना बनने दीजिए, थोड़ा सा सीरियस होइए, ठीक है। आप सोचते हो कि यार सर्वेश सर मजाक नहीं करते हैं, सीरियस ही रहते हैं, एक्चुअल में यार मजाक मैं कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, मगर 3 महीने यदि हम लोग सीरियस होकर पढ़ लेंगे तो जिंदगी बन जाएगी, है नहीं तो मजाक ही हो जाएगा, फिर गेम सेट हो जाएगा और जिंदगी मजाक बन के रह जाएगी। इस वजह से क्यों मैंने जिंदगी को 0 से लेके ठीक है हाई लेवल तक देखा है, 0 से लेके हाई लेवल तक देखा है। तो इसलिए प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, बैकलॉग ना बनने दें। ये एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि एक बार लग गई तो समझ लो आपके सिलेक्शन को डुबा के ही जाएगी।